गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बड़ा ही मजेदार डेजर्ट जिसको खा के आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो और शायद बार बार बना भी लो क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये खाने में और इसको बनाना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं सीताफल क्रीम। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बोल में 3 सीताफल का पल्प लिया है और सीताफल का पल्प बनाने का तरीका ये है कि कोई भी आप एक खिसनी ले लो या स्लाइसर ले लो, उसके ऊपर सीताफल को आधा करके ऐसा खिस लो तो उसका पल्प अलग हो जाएगा और उसके जो बीज होते हैं वो अलग हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप एक एक उसको ये उसका पल्प निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है बिल्कुल आसान। फिर यहाँ पर हमने ले लिया है फ्रेश क्रीम, एक पूरा पैकेट फ्रेश क्रीम का हमने ले लिया है। यहाँ पर हमने ले लिया है शुगर, या आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, हम लोग ज्यादा मीठा नहीं खाते इसके लिए उतना लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 आइसक्रीम ले ली है वैनिला फ्लेवर की, ठीक है। तो अब इतने ही इंग्रेडिएंट में हम बनानी है सीताफल क्रीम। तो यहाँ पर सीताफल का जो पल्प है इसमें हमने डाल देना है फ्रेश क्रीम। तो ये देखिए मैं फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच शुगर ले लिया है। अगर आप लोग इसका पाउडर शुगर करके लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं करके लेना है तो कोई बात नहीं, ऐसा भी डाल सकते हो। फिर हम इसमें 1 वेनिला आइसक्रीम जो है अभी ऐड करेंगे और 1 वेनिला आइसक्रीम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इनको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाए ऐसे मिक्स कर लेना है। और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब इसको इसका जो मिक्सचर हमने बना दिया है इसको हम लोग फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग नीचे फ्रिज में भी रख सकते हो आधे घंटे के लिए। और ये देखिए हमारा सीताफल क्रीम जो है 15 मिनट के बाद अच्छे से चिल्ड हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जो है उसके अंदर ग्रीन कलर डाल दिया है ताकि हम लोग टॉपिंग पे थोड़ा डाल दे गार्निश करने के लिए। तो अगर आप लोग को करना है तो करो, नहीं करना है तो बिल्कुल ऑप्शनल है। ये सीताफल क्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है और बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। अभी जैसे ही मैंने इसको बोल में निकाल लिया है, अब हम इस पर डाल देंगे आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। अगर आपको दूसरे कोई फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद हो तो आप वो डाल लेना, लेकिन हमको नॉर्मली वनीला फ्लेवर ही पसंद आता है इसमें, तो हमने इसके टॉपिंग पे डाल दिया है वनीला आइसक्रीम। और ये देखिए ये बन करके तैयार हो गया है हमारा सीताफल क्रीम, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका बिहाइंड द सीन रेसिपी जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करने वाली हूँ, तो वो भी देखना कि हम लोग ने कितना हंसी मजाक करके रेसिपी बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।